हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नए वीडियो के हाजिर हूँ, जो कि हमारे पास एक मदरबोर्ड है, ये वाला देख सकते हैं। तो इस मदरबोर्ड में हमारा जो मदरबोर्ड है, इसमें देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो पावर सप्लाई है, तो इसका जो मॉसफेट है वो ट्रांजिस्टर वो ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर एक ड्राइवर आईसी है जो कि वो भी जल चुका था, जो फिलहाल हमने इसको अभी जो हमने इसको रिपेयर करेंगे। तो ड्राइवर आईसी यहाँ पर जो पावर आईसी होता है तो वो भी यहाँ से ख़राब हो चुका है और ये ख़राब हो चुका है, तो इसके जगह हम दूसरा यूज़ करेंगे। तो आप देखते रहें, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर एक एसटीआर है जो हमारे पास 4 पिन का एसटीआर है गाइस। तो इस 4 पिन एसटीआर का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 5LO380R। इस एसटीआर की मदद से हम इस पावर सप्लाई को रिपेयरिंग करेंगे और देखेंगे ये कितना काम करता है, वह सक्सेस होता है या नहीं होता है, आप लोगों को दिखाएंगे। इसके साथ में और एक दो तीन चीज़ चाहिए तो हम इसको भी दिखाएंगे आप लोगों। तो ये पावर सप्लाई हमारा देख सकते हैं, यहाँ पर ड्राइवर ऐसी था जो कि पावर ड्राइवर ऐसी था, तो ये ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो भी ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए हम इस एसटीआर को यूज़ करने वाले हैं, जो कि 4 पिन का एसटीआर है। LO380R, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 तार जोड़ दिया हूँ, और यहाँ पर ये हो गया 1 नंबर पिन जो कि हमारा सोर्स है, और ये 2 नंबर पिन हमारा ड्रेन है, 3 नंबर पिन हो गया हमारा डीसीसी वोल्ट, और ये हो गया हमारा 4 नंबर पिन आउटपुट जो कि ऑटो कपलर पे जाएगा। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे, ये हो गया ऑटो कपलर, यहाँ पर 1 नंबर पिन, 2, 3, 4 4 नंबर पिन में हम कनेक्शन देंगे, और ये ग्राउंड है, और VCC वोल्ट हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे जो कि कैपेसिटर से, यहाँ से VCC वोल्ट को कनेक्ट करेंगे। और ये हो गया हमारा ड्रेन, ये होगा सोर्स, सोर्स मतलब ये ग्राउंड पिन है। तो इसको हम इस प्रकार से लगाएंगे कुछ, जो कि ये हमारा सोर्स है, तो सोर्स हमारा इस प्रकार से होगा। इस पे एक हीट सिंक लगाएंगे बाद में, तो पहले हम इसको लगा के चेक करता हूँ। सोर्स लगा दिया हूँ न्यूट्रल, ये हो गया ड्रेन, इसको भी कनेक्ट कर दिया हूँ। अब ये हो गया, ये हमारा VCC वोल्ट जो कि कैपेसिटर से डायोड के पॉजिटिव पे लगेगा। और यहाँ पर ऑटो कपलर के 4 नंबर पिन पे ये आउटपुट पिन लगेगा। उससे पहले आपको PF लगाना पड़ेगा, जो कि 104 एक PF है जो कि हम ऑटो कपलर पे लगाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे। थ्री नंबर पिन और 4 नंबर पिन पे लगा देंगे इस प्रकार से, तो ये लग गया है देख सकते हैं। तो अभी 4 नंबर पिन पे हम इसका ट्रैक जोड़ देंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लगा दिया हूँ, देख सकते हैं, ये हो गया सोर्स, इधर लगा दिया निगेटिव, और ड्रेन को हम लगा दिया इधर,
ये हो गया बीसीसी बॉल जो कि 24 बॉल से नीचे 18 बॉल से ऊपर यहाँ पर लगाएंगे, सप्लाई आना चाहिए 24 बॉल्स के नीचे, मिनिमम 24 बॉल तो इसको चाहिए और 18 बॉल से ऊपर चाहिए, नीचे होने से ये रन नहीं करता इतना खास। और ये आउटपुट जो कि 4 नंबर पिन है, यहाँ से ये आउटपुट के पिन है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना है पीएफ, इस तरह से 104 कैपेसिटर एक लगा देना है। अब हम इसमें पावर देंगे जो कि पावर देने के बाद हम इसमें चेकिंग करेंगे। हम इस पर अभी पावर दे दिया हूँ, हमारा मल्टीमीटर इधर है, तो हमारा ग्राउंड कर लेता हूँ एक मीटर का केबल, तो हम यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ तो ये परफेक्ट तरीके से सप्लाई आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मल्टीमीटर है हमारा, अब हम इसमें न्यूट्रल हम यहाँ पर लगा दिया, कनेक्ट कर दिया हूँ तो यहाँ पर सप्लाई चेक करता हूँ, परफेक्ट जो 12.31 वोल्ट जो है वो आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट देख सकते हैं हो चुके हैं। तो यहाँ पर 5 वोल्ट मतलब ये आ चुका है और ये हम छू के देखते हैं हीटिंग हुआ है, ये थोड़ा सा भी हीटिंग नहीं हुआ है गैस। अगर आप इसमें तो कोई हीट सिंक लगा देते हैं और भी ये बेहतरीन तरीके से रन करेगा, ख़राब नहीं होगा। तो हम इसका जो VCC पेंट है तो यहाँ से लिया हो डायट, देख सकते हैं डायट के थ्रू, तो ये VCC के जो सप्लाई है आप डायरेक्ट डायट लगा के 220 के का रेजिस्टेंस लगा के आप इसको कैपेसिटर में सप्लाई दे सकते हैं, तब भी आपका हो जाएगा अगर इस यहाँ से सप्लाई कम निकल रहा है तो। तो इसमें तो हमारा रन हो चुका है, तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हो अगर आपका SMPS ख़राब हो जाता है, एक मॉड्यूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और इसको लगाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये रन करेगा और आपका इतना जल्दी ख़राब नहीं होगा, मॉड्यूल तो ख़राब भी हो जाता है लेकिन ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होगा अगर आप इसमें हीट सिंक लगा देते हैं तो। आप इस तरह से